मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें यदि कोई भी संस्था किसी भी मृतक के शव को रखेगी तो उसमें भी कार्रवाई की बात है। कोई भी संस्था इलाज नहीं करेगी तो उस पर भी कार्रवाई की बात है। लेकिन चिकित्सकों के ऊपर भी हमले वगैरह नहीं हो, उनके संस्थाओं में तोड़फोड़ नहीं हो, इसकी भी बात को उसमें समाहित किया गया है। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है, जनता के हित की भी रक्षा है और आप इसको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट कह रहे हैं। यदि इसका दूसरा नाम यदि बोलचाल की भाषा में कहिएगा तो ये जनता प्रोटेक्शन एक्ट है। इसको यदि दूसरे भाषा में यदि हम कहें तो ये कहेंगे कि जनता प्रोटेक्शन है, लेकिन नाम इसका दिया गया है मेडिकल प्रोटेक्शन है, लेकिन ये है जनता प्रोटेक्शन है। कि जनता के इलाज में कमी नहीं आए, मृत व्यक्ति के शरीर को अंत्योष्टि के लिए तुरंत छोड़ दिया जाए, चिकित्सक उसका जो है सही समय में सही इलाज करें, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हो, इलाज के अभाव में किसी को जाना नहीं पड़े, वो सारी चीज़ों को इसमें समाहित करें। भी प्रावधान है, उसको आप पूरा एक्ट को पढ़ें। आप बताएं ना सर। अरे मैंने तो बोल ही दिया कि जो लापरवाह हमारे चिकित्सक हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी प्रावधान है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रावधान है, PCPNDT एक्ट में भी प्रावधान है, इसमें दिक्कत क्या है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।